तो सब आज हमारे साथ राजू जी हैं और आपके फुल माउथ इम्प्लांट हमने किए हैं, जो भी 7-10 दिन वाली जो प्रक्रिया है, दांत निकाले, जो भी खराब थे इम्प्लांट लगाए, दांत लगा दिए। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम, बहुत सारे मरीज जो है ना डरते हैं कि साहब शुगर है, बहुत सारे डॉक्टर मना कर देते हैं मैं इम्प्लांट नहीं कर पाऊंगा साहब, दांत नहीं निकाल सकता साहब, शुगर है साहब, ये घाव नहीं भरेगा, फलाना नहीं होगा, ढिमका नहीं होगा, पता नहीं क्या क्या जो है। हम 10-12 साल 15 साल से खूब शुगर वाले मरीजों के इम्प्लांट करते आ रहे हैं, खूब सफल है। अब हमने खूब सोचा है कि भाई जो मरीज कराते हैं उनके बारे में थोड़ा उनसे भी अपनी राय लें, तो जिससे कि जो है ना लोगों को बल मिले, जो शुगर वाले मरीज हैं बेचारे कहीं पे भी हैं हिंदुस्तान भर में या दुनिया भर में, जिनको कि भाई डॉक्टरों ने मना किया हुआ है, आप बिल्कुल बिंदास तरीके से करा सकते हैं। उसकी तकनीक अलग हो जाती है, करने की प्रक्रिया अलग हो जाती है, जो हर डॉक्टर पास नहीं होती, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सिस्टम्स हैं तो हम हर तरीके से कर पाते हैं। हार्ट वाले मरीज और जो है ना डायबिटीज वाले मरीज आराम से, बीड़ी सिगरेट पीने वाली मरीज सब इम्प्लांट करा सकते हैं, बिना दांतों के मत घूमिए, आराम से कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो राजू जी आज हमारे साथ हैं, और जब आप ये हमारे पास आए तो आपका शुगर था साहब 300 जी, 300 था, 300 है ना। तो हमने कहा आप कोई बिल्कुल परेशान मत होइए, हालांकि इन्हें पता नहीं था कि इनको डायबिटीज है, मेरे को नहीं पता था, इनको नहीं पता था, हमने फिर भी हमने शुगर का इनका टेस्ट किया, हमने कहा आपको डायबिटीज है, आप आशा के साथ आए, कोई परेशान मत होइए, ठीक है, हम आपके जो है इम्प्लांट करेंगे। हमने इनको थोड़ी दवाई दी, हमने 300 दी और दूसरे दिन ही हमने लगा देने शुरू कर दिए थे इम्प्लांट, तो और आपको दवाई साथ में आपको दे दी, आपने दवाई खाते रहे, इम्प्लांट लग गए, दान लग गए, खाचवाने लग गए आराम से। अब बताइए आपने थोड़ा सा ना वो दीजिए, खासकर ये ध्यान रखते हुए कि भाई डायबिटीज वाले जो मरीज हैं, आप यह समझिए डायबिटीज वाले मरीज इसको देख रहे हैं, कराएं ना कराएं, अब बताइए आप। लेकिन वो भी बेधड़क करा सकते हैं, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है जी, और एकदम खुले दिल से आए, हाँ, और बड़े आराम से कराएं। डॉक्टर साहब का हाथ बहुत बढ़िया है, डॉक्टर साहब का काम भी बहुत बढ़िया है जी, सब अच्छा लगा जी, और बहुत प्यार से करते हैं जी। थोड़ी बहुत तकलीफ होती है तब, एक आध दिन जब होता है सर्जरी होती है तो थोड़ा बहुत होता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, दवाई वगैरह सब दे देते हैं डॉक्टर साहब लिख करके, और अच्छा होता है, बाकी कोई नहीं। मैं भी आया हूँ अभी 2-3 दिन बाद, खूब खाना चबाना सब कुछ खा लिया मैंने, जबकि डॉक्टर साहब ने बताया भी नहीं था मेरे को कि काजू खाना या मूंगफली खाना है, मैंने ये भी खा लिया, सब खाया, सब खा लिया, दाल रोटी सब्जी चपाती सब, पराठे दाल रोटी सब खा रहा हूँ, पापड़ वगैरह गाजर वगैरह जी सब चीज खा, सब खाना है, ठीक है। कोई ऐसा लगा कि आपको शुगर थी तो भैया आपको दूसरे मरीज आपके साथ वाले करा रहे थे, बहुत सारे लोग, जैसे उनका हुआ वैसे आपका नहीं, कोई फर्क, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ कुछ भी हाँ, तो जो जैसे उनका नॉर्मल, आपके साथ में एक हार्ट वाले पेशेंट भी थे उनका भी हुआ, एक नेपाल से लेडी आई थी उनको भी शुगर थी उनका भी हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई डरने की सर मुझे नहीं मालूम था, मैं तो बिल्कुल फिट अपने आपको समझता हूं, आपने चेक करवाया रिपोर्ट पैथोलॉजी से तो उसमें आ गया, हमने आपने बताया कंट्रोल कर लिया, अब हमेशा के लिए कर लेंगे जैसे हम अपने जी जी जी, जी 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 नए दांत जो लगे हैं, हाँ जी, देखने में सुंदर लग रहे हैं, हाँ जी, चेहरा मोरा अच्छा हो गया, हाँ बढ़िया हो गया सर, खाने चबाने में सब बढ़िया, खाने में तो बहुत बढ़िया सर, क्योंकि मैंने बहुत दिन बाद मैंने भी खाना खाया, अच्छा, क्योंकि एक दांत था उससे रोटी नहीं खा पाता, पानी वाली सब्जी लेता था मैं, अरे उसी से खाना खाता था बस, बाकी कोई सब्जी कोई नमकीन कोई बिस्कुट कुछ भी नहीं खा पाता था सर। जो लोग बिना दांतों के घूम रहे हैं, हाँ, या जो लोग ऐसे हैं कि बस एक तरफ थोड़े दांत रह गए, हाँ, आगे रह गए, और जैसे क्या एक तरफ रह गए, हाँ, तो उनसे चबाने लग गए, फिर वो भी चले गए तो आगे से चबाने लग गए, तो जो ये लोग हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे, ये प्रक्रिया से दांत लगवाना सही है, बहुत सही है सर, है? बहुत सही है, हाँ, तो लोग डरते हैं क्या, पता नहीं, टाइम के लिए सही है, बहुत बढ़िया, अपने आराम से, मस्त, इतना बढ़िया सब कुछ, और महसूस भी नहीं हो रहा था खाना अपना, भाई देखिए कि अगर ऐसे मतलब जिंदगी क्यों काटना, कि खाना जो है वो खा के, भाई अगर आपको पता नहीं है कि ये कुछ होता है ऐसी भी चीज तब तो ठीक है, लेकिन पता रहते हुए भी आपको पता है कि भाई हम इम्प्लांट लगा के हम दांत अपने लगवा सकते हैं, तो क्यों टालना, सही है, जितना जल्दी कराइए उतना बेहतर है कि नहीं जी। चलिए मैं अब 4 दिन से खाना खा रहा हूँ, 3 दिन से सर अच्छा लग रहा है, अभी मैं सुबह कभी नाश्ता नहीं करता था, क्योंकि खाया नहीं जा रहा था, नाश्ता करूंगा कैसा, दूध पी लिया, हाँ, उसी में बिस्कुट उस्कुट कोई घोल के खा लिया तो खा लिया, ये रहता था, फिर दोपहर को भूख लग रही है, लेकिन भाई बोलती है खाना खा लो, हाँ खाऊंगा, बड़ी मुश्किल से, फिर अच्छा ठीक है, रोटी दोबारा ऐसे गर्म करवानी है, उसको परेशान करना, रोटी गर्म दो, बड़ी मुश्किल से उसमें पानी वाले रोटी को उलट पुलट करके ऐसे करके जब गल जाए तब उसको खाता था। अब परिवार में सब लोग खा रहे हैं, सब है ना, हाँ, आप भी खा रहे हैं, तो परिवार ने मेरे को हिम्मत दी है कि हम लोग खाते हैं तुम मुंह देखते हो, मुंह देखते हो, लगवा लो, हाँ, इसलिए मैं भी हिम्मत करके आ गया, और 4 महीने से आपका यूट्यूब पे देख रहा था। अच्छा, चलिए साहब आपका धन्यवाद,
ठीक है। मैं सभी लोगों से प्रार्थना करूंगा, जिसको भी ये प्रॉब्लम है, जिनके दांत नहीं है, फुल माउथ के या वैसे भी, डॉक्टर साहब से मिले, संपर्क करें, बहुत बढ़िया होगा और खुश होंगे जिस तरीके से। चलिए, तो आपकी भावना है, आपका काम अच्छा होता है तो आप कहते हो, अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा जी जी। पर ये है कि कहीं भी है बना इम्प्लांट कराइए, पूछिए एक बार, अगर आपके डॉक्टर ने मना कर दिया कि नहीं आपके ये नहीं हो सकता, हड्डी कम है, डायबिटीज है, ये है वो है, सब कोई बीमारी है, आप हमसे एक बार संपर्क जरूर करिए। बहुत सारी चीजें जो कोई और डॉक्टर नहीं कर पाता, दूसरा कर देता, ठीक है। तो आप एक बार संपर्क, तो मैंने समझता हूँ साथ कोई डॉक्टर है ही नहीं। हाँ भाई नहीं, चलिए तो आपकी भावना है सर, सही में नहीं है सर, कोशिश करते हैं आप लोगों का अच्छे से काम करें, ठीक है। अच्छा है, धन्यवाद आपका, ठीक है। अच्छा।